For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दीपिका कक्कड़ फेक है. जी हाँ, दीपिका फेक है. दीपिका सृष्टि के बारे में बैक पिचिंग कर रही है. दीपिका ही हर प्रॉब्लम की जड़ है. और तो और, श्रीसंत के घर से बाहर जाने की रीजन भी दीपिका है. यस, वेल डरो मत, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये घर के लोग कह रहे हैं. जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ज्योति नाहक. और दोस्तों, बात करते हैं बिग बॉस सीजन 12 के कल के हाइलाइट्स की. तो जैसा मैंने कहा कि हर कोई दीपिका को टारगेट कर रहा है हर चीज के लिए. जब श्रीसंत घर छोड़कर गए, तभी भी कहीं ना कहीं दीपिका को टारगेट किया गया. जब सृष्टि और इन सब का जो भी सृष्टि और सभा की जो फाइट हुई, उसके बाद दीपिका और नेहा कहीं ना कहीं सृष्टि के बारे में बात करती नजर आई, अपना ओपिनियन देती नजर आई. लेकिन उसमें भी अफकोर्स दीपिका ही बाद में टारगेट हो गई, क्योंकि श्रीसंत जो वहां से देख रहे हैं, उन्हें दीपिका का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. लेकिन कल घर में जब टास्क दिया गया, जिसमें कुछ लोगों को चार्ज करना था और कुछ लोगों को चार्ज होना था, उस टास्क में दीपक काफी हद तक चिल्लाते हुए नजर आए. और साथ ही साथ रोमिल, सुरभि, ये सब मिलकर दीपिका को फेक कहते हुए नजर आए. तो अब आप डिसाइड कीजिए दोस्तों कि दीपिका फेक है या नहीं. बट ये था नंबर वन हाईलाइट. श्रीसंत दीपिका से फर्स्ट टाइम नाराज होते नजर आए. हाँ, ज्यादातर ऐसा होता था कि श्रीसंत जो है वो उतना नाराज नहीं होते थे दीपिका से. दीपिका से वो सबसे ज्यादा क्लोज थे. लेकिन आप देखेंगे, जब से श्रीसंत उस घर में गए हैं, तब से उन्हें दीपिका के कुछ ना कुछ लूपहोल्स डेफिनेटली दिख रहे हैं. साथ ही साथ उन्हें दीपिका का एक अलग साइड देखने को मिल रहा है, जहां वो बातें कर रही हैं लोगों के बारे में, जो कि श्रीसंत को पसंद नहीं आ रहा. लेकिन ये बिग बॉस का घर है, उन्हें बातें भी करनी पड़ेंगी और बातें सुननी भी पड़ेंगी. लेकिन शायद श्रीसंत के लिए सब कुछ काफी नया है दीपिका के पर्सपेक्टिव से. तो इसीलिए मुझे लगता है कि श्रीसंत कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. मैं दीपिका को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी भी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है. और कोई इंसिडेंट अगर घर में हुआ है, तो उसके बारे में बात करना, उसके बारे में चर्चाएं करना, इसमें कोई गलत चीज नहीं है. ये श्रीसंत को समझना चाहिए. वेल, हमेशा की तरह जब काल कोठरी की बात आती है, तो घर वालों में मतभेद चालू हो जाता है. जब कल काल कोठरी की सजा भुगतने के लिए कंटेस्टेंट्स का नाम लिया गया, तो पहले तो सारा घर सभा और सोमी के अगेंस्ट खड़ा नजर आया. लेकिन धीरे धीरे जब और ओपिनियंस बाहर आए, तो फाइनली सृष्टि को कसूरवार माना गया. जी हाँ, जिनको चोट लगी थी उन्हीं को कसूरवार मानते हुए, क्योंकि सृष्टि ने जिस तरह जाकर बाथरूम में तोड़फोड़ की, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इन सब चीजों की वजह से सृष्टि को कसूरवार मानते हुए और साथ ही साथ सौरभ और शिवाशीष को कसूरवार मानते हुए, इन तीन लोगों को काल कोठरी की सजा सुनाई गई थी, वो भी आपसी सहमति से. दीपक जो कि घर में काफी अच्छा खेल रहे हैं अभी तक और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं बहुत ज्यादा, वो कल के टास्क के दौरान ये कहते नजर आए नेहा से कि वो काफी ज्यादा फेक हैं, अपनी अच्छे इमेज बना के रखना चाहती हैं और किसी की नजर में बुरी नहीं बनना चाहती, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा गलत था. और दीपक जिस तरह से अग्रेसिव होके वो बोल रहे थे, शायद उनको वो ठीक नहीं लगा नेहा को, और वो काफी हर्ट भी हुई इस सेंटेंस से. लेकिन क्योंकि ये टास्क था और दीपक का परफॉर्म करना जरूरी भी था, इसलिए दीपक को जो सही लग रहा था उन्होंने वो सब बोला. और इवन हालांकि उर्वशी बाद में उन्हें ये कहती नजर आई कि पंगा लेना बाद में तुम्हें पंगा लेना भारी पड़ेगा, एक उर्वशी का अलग ही साइड देखने को मिला. वो कहीं ना कहीं धमकी देती हुई नजर आई दीपक को, हो सकता है मजाक में भी हो, यू नेवर नो. और लेकिन इन सब के बावजूद दीपक टास्क के विजेता रहे और उन्हें दिया गया एक सेल्फोन. अब उर्वशी का कल के एपिसोड में एक नया ही रूप देखने को मिला, जहां दीपक उन्हें एक्सप्लेन करते नजर आए कि उन्हें घर में सबसे तालमेल बढ़ाकर रखनी चाहिए. क्योंकि धीरे धीरे अगर आप नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, तो उर्वशी और दीपक जो कि एक जोड़ी के तौर पर आए थे, उनकी कहीं ना कहीं जोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है. बिकॉज दोनों आपस में ज्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते, दीपक अपना अलग गेम खेल रहे हैं, उर्वशी अलग रहती हैं. और यही चीज शायद ऑडियंस भी नोटिस कर सकती है, जो उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है. तो इन सारी चीजों को लेकर दीपक समझाते नजर आए उर्वशी को कि सबके साथ घर में कोऑपरेट करके चलो एंड ऑल दैट सारी चीजें. तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको कल का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.